सेंट हीलियर इंटर कॉलेज के सभागार में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आरपी मिश्र ने परिचय कराया। परिचय के समय जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा, जिला मंत्री महेश चंद, कोषाध्यक्ष आरपी सिंह, आय व्यय निरीक्षक आलोक पाठक को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसी के साथ कार्यकारिणी के 6 उपाध्यक्ष, 6 संयुक्त मंत्री तथा 15 कार्यकारिणी के सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण परिचय कार्यक्रम था। क्या कहना चाहेंगे इस नए कार्यकारिणी के बारे में, किस तरीके से कार्य करेगी? देखिए, अभी जनपदीय निर्वाचन हुआ, वो निर्विरोध निर्वाचन हुआ 31 सदस्यीय कार्यकारिणी का, और ये प्रतिवर्ष निर्वाचन होता है। निर्विरोध निर्वाचन होना ये बताता है कि जनपद के शिक्षकों का जो भी कार्यकारिणी बन रही है उस पर पूरा विश्वास है, विरोध नहीं, उनके पक्ष में वो काम करेंगे, उनके हितों के लिए, उनकी संरक्षा के लिए सब काम करेंगे। तो ये प्रसन्नता की बात है। आज उनका परिचय और शपथ ग्रहण समारोह है। हमारे बीच में हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल डॉक्टर प्रदीप कुमार जी भी उपस्थित हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ श्री राकेश कुमार जी भी उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में हमारे महामंत्री वर्मा जी ने, नरेंद्र वर्मा जी ने शपथ ग्रहण कराया है। इसलिए कि संगठन में पदाधिकारी सदस्य बनने के बाद संगठन के प्रति उनकी निष्ठा रहेगी, उनके कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे, अपना पूरा मनोयोग लगा करके सब काम करेंगे, अपने विद्यालय में जो कार्य है वो निर्धारित कार्य के अलावा। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिम्मेदारियाँ इसके बाद में उनको आगे चल करके आवंटित होगी। जो बैठक होगी उसमें बैठक में उनके कार्यों के लिए के बारे में 31 पदों, एक अध्यक्ष, एक मंत्री, एक कोषाध्यक्ष, एक आय व्यय निरीक्षक, 6 उपाध्यक्ष, 6 संयुक्त मंत्रियों, 15 कार्यकारिणी सदस्य। जी, आज जो बैठक हुई है, हमारा कहना ये है कि जैसे हमारे ऊपर मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, वैसे एक संगठन का ऋण भी हमारे ऊपर होता है। आज हम लोग जो भी हैं वो आदरणीय परम श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग खड़े हुए हैं। तो हमारा संगठन पत्र ऋण है, उस ऋण को, ऋण के लिए हम लोग तन मन धन से समर्पित हैं। आज अगर संगठन है तो हम हैं, अगर संगठन नहीं तो हम लोग। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर ओंकारनाथ मिश्रा, प्रधानाचार्य एमडी शुक्ला इंटर कॉलेज लखनऊ में हूँ, और अभी मैंने जुलाई में वहाँ से स्थानांतरण होकर आया हूँ, हरदोई वहाँ से, फैजाबाद से, और यहाँ पर इससे पहले मैं 30 साल उसी कॉलेज में गणित प्रवक्ता रहा हूँ। थैंक्स। कार्यकारिणी जो हमारी नव निर्वाचित कार्यकारिणी है उसका शपथ ग्रहण समारोह, उस परिचय समारोह आज यहाँ था। क्योंकि नव निर्वाचित कार्यकारिणी का मैं भी संयुक्त मंत्री हूँ जिले स्तर पे, अतः मैंने भी प्रतिभाग किया, और कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है मैं समझता हूँ बहुत ही समन्वित ढंग से हुआ है। क्योंकि एक और अगर इसमें पुराना अनुभव दिख रहा है, इन्होंने 4 दशकों तक संगठन की सेवा की, जिनके संघर्ष से तमाम उपलब्धियां हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। खैर, मैं तो बहुत नया भी नहीं हूं, बहुत पुराना भी नहीं हूं, लेकिन बढ़ती जो है क्या कहना चाहिए कि जिम्मेदारियों के प्रति हम लोगों को सजग रहना है, संघर्ष करना है, निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह कार्य करना है, और पठन पाठन के साथ साथ हमको अपने दायित्वों का भी निर्वहन करना। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार द्विवेदी है, मैं प्रवक्ता जीव विज्ञान बक्सी तालाब इंटर कॉलेज, और यह जो जनपदीय कार्यकारिणी है इसका मैं जनपदीय संयुक्त मंत्री हूँ। देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।